बॉलीवुड की लेटेस्ट खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े ये लाल रंग का सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल आइकन को दबाएं, जिससे नई वीडियो की जानकारी आप तक पहुंच जाएगी। जान लीजिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। पद्मावती की कंट्रोवर्सी पर नाना का बड़ा बयान। जी हां, आपको बता दें, अभिनेता सुपरस्टार रणवीर सिंह, शाहिद कपूर, दीपिका पादुकोण की जोड़ी एक बार हमें फिर से एंटरटेन करने में लगी है, लेकिन करनी सेना उसे ये कह के रोक रहे हैं कि हमारी महारानी पद्मावती को इस फिल्म में गलत दिखाया गया, हम इस चीज को बिल्कुल ही नहीं बर्दाश्त करेंगे। हालांकि उनका दावा कई जगह पर किया गया है। उनका दावा पहले तो ये था कि अलाउद्दीन खिलजी और पद्मावती के बीच गलत संबंध दिखाए गए हैं, उसके बाद जौहर पे हुआ बवाल, लेकिन फिलहाल करनी सेना इस बात से बिल्कुल ही पीछे नहीं हट रही। उन्होंने कहा कि हम फिल्म को रिलीज नहीं होने देंगे। करनी सेना के अध्यक्ष लोकेंद्र सिंह ने इस बात की पुष्टि की है कि किसी भी कीमत पर फिल्म को रिलीज नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा कि फिल्म अगर हमने 20 करोड़ का प्रमोशन का खर्चा बचाया तो हम 200 करोड़ का नुकसान भी करेंगे। आपको बता दें, हाल ही में नाना पाटेकर के दिए गए बयानों के बाद पूरा बॉलीवुड शान में आ गया है। नाना ने कहा कि अगर हमें पता ही नहीं है फिल्म में क्या है, उससे पहले हम फिल्म के बारे में कुछ गलत नहीं बोल सकते। उन्होंने कहा कि पहले फिल्म को रिलीज होने दो, अगर फिल्म में कुछ ऐसा होगा जो नहीं होना चाहिए फिर हम इस फिल्म को बैन कर देंगे। पहले बैन करने से कोई फायदा नहीं होगा। उन्होंने बहुत सी बातें कही जो कि संजय लीला भंसाली के कुछ खिलाफ थी और संजय लीला भंसाली के कुछ सपोर्टिंग की तरफ था। अब देखते हैं फिल्म कब रिलीज होती है सिनेमा घरों में।